Yesterday class told welcome to this class. Today we have to discuss your exercises 7.6. Okay. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. सिक्स हो गया है, सिक्स डिस्कस कर लिया है. In this question, the statement is Rajan distributes 1 by 4 of each chocolate bar among his friends and 1 by 4 of it among his siblings. What fraction of the chocolate bar is left with him? देखिए उसके पास जितना भी टोटल चॉकलेट था तो उसका उसमें से 1 by 4 वो अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है और 1 by 4 अपने सिबलिंग्स में यानी अपने भाइयों और बहनों में उस Rajan distributes. Rajan distributes. Among. Thank you, guys. May I? Yes, beta. मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, the fractions of chocolate Rajan distributes among his friends. यानी अपने फ्रेंड्स में कितना वो डिस्ट्रीब्यूट करता है टोटल चॉकलेट का. वॉइस नहीं जा रही क्या मेरी? सर आ रही है. 1/4. वन बाय फोर. फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट रादर डिस्ट्रीब्यूट हिज फ्रेंड्स इज इक्वल टू 1/4. यानी टोटल में यहाँ पे अपने फ्रेंड्स में कितना 1/4 ऑफ द टोटल चॉकलेट वो डिस्ट्रीब्यूट करता है. ओके नाउ पॉइंट नंबर सेकंड में स्टेटमेंट जो दिया है इसमें सॉरी इसी का सेकंड स्टेटमेंट क्या है 1/4 ऑफ इट अमंग हिज सिब्लिंग्स एंड अमंग हिज सिब्लिंग सिब्लिंग्स यानी अपने भाई और बहनों में उतना डिस्ट्रीब्यूट करता बेटा. सिब्लिंग्स में क्या होता है भाई और बहन ही होते हैं. अनन्य सिब्लिंग्स इज इक्वल टू 1/4. यहाँ भी अपने भाई और बहन को 1/4 डिस्ट्रीब्यूट करता है. अब आपको ये फाइंड करना होगा. ठीक है बेटा. लिसन टू मी एवरीवन केयरफुली. अभी वो कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है ये फाइंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड करेंगे टोटल कितना फ्रैक्शन वो डिस्ट्रीब्यूट किया. ओके तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे. The fraction of chocolate that is distributed among his friends is equal to 1/4 and among his siblings is equal to 1/4. So, Rajan distributes 1/4 of total chocolates. कितना डिस्ट्रीब्यूट करता है ये फाइंड करने के लिए टोटल जितना फ्रैक्शन अलग है उसने अपने फ्रेंड्स और सिब्लिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट किया वो राइट कर लेंगे उसको प्लस कर लेंगे. ओके
So Rathen distributes of total yes, plates sir. Is equal to 1 by 4 plus 1 by 4. Is equal to kya aaya? 2 by 4. 2 by 4. 1 plus 1, 2. Divide by 4. यानी इसमें हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं सर 2 बाई 4 यानी ये आप मेरी बात सुनिए प्लीज लिसन टू मी एवरीवन केयरफुली यहाँ जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ आपके समझ में आनी चाहिए बेटा इसमें 2 बाई 4 चॉकलेट यानी टोटल पार्ट्स कितने 4 पार्ट्स कितने पार्ट्स के टोटल चॉकलेट्स के कितने पार्ट हैं टोटल 4 पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट कितने किए 2 पार्ट्स 4 पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट कितने किए उसके पास फोर इक्वल पार्ट्स में से उसने टू पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उसके पास बचे हुए पार्ट्स होंगे टू ही होंगे है ना यानी yes, sir. Left yes, of the left fraction of the chocolate is equal to 2 by 4 because 4 equal parts में उसके पास 2 parts remains हैं तो इसका fraction क्या होगा 2 by 4 क्या होगा 2 by 4 2 by 4 okay so other yes, left Left fraction डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो रिमेनिंग पार्ट उसके पास बचे कितने टू और टोटल पार्ट कितने थे उसने फोर यानी लेफ्ट हुआ इतना है ना लेफ्ट 2 बाई 4 उसने डिस्ट्रीब्यूट किया तो बचा भी इतना ही है 2 बाई 4 पार्ट कितना बचा हुआ है 2 बाई 4 पार्ट ओके 2 बाई 4 पार्ट यस यस सर दैट्स लेफ्ट लेफ्ट फ्रैक्शन ऑफ द चॉकलेट विथ हिम इज इक्वल टू 2 बाई 4 आंसर ओके यस सर यस सर ये बेटा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को इसमें किसी को डाउट है यस सर इसमें यही चेक किया जाता है टोटल पार्ट्स पहले सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं टोटल पार्ट्स तो हमने ऐड करने पे पाया है 2 बाई 4 ऐड करने पे क्या आंसर आता है 2 बाई 4 तो 2 बाई 4 इट मीन्स उसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं टोटल पार्ट्स की बात किया जाए तो 4 पार्ट्स हैं चॉकलेट के जितने भी चॉकलेट थे उसके पास उसने उसमें 4 इक्वल पार्ट कर लिए हैं और 4 इक्वल पार्ट में 2 पार्ट को क्या करता है मतलब 1 पार्ट अपने भाइयों और बहनों में यानी सिस्टर एंड ब्रदर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है 1 पार्ट फ्रेंड्स में तो उसके पास बचे हुए 2 पार्ट्स हैं कितने बचे हुए उसके पास 2 पार्ट्स तो फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 2 बाई 4 ओके यस यस सर यस बेटा सर एक्सक्यूज मी यस बेटा सर क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए अनुष्का क्या कहना चाह रही है सर क्वेश्चन नंबर 5 यस बेटा 5 मैंने डिस्कस किया था आस्था बोली है क्या यस सर पकड़ के बात बताता हूँ अभी तक कहाँ थी पहले नहीं ज्वाइन कर पाती है लास्ट में ज्वाइन करेंगी क्यों आस्था चॉकलेट खा रही थी अभी तक नो सर सर फूड ईट कर रहे थे मुझे पता है कुरकुरे और चॉकलेट ईट करने से टाइम मिलता है तब तुम क्लास लेने बैठती हो अच्छा चलिए ठीक है पॉइंट पे आता हूँ ओके पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करना है यस सर डिस्कस किया गया था चलिए रिवाइज कर दे रहे हैं इसको किसी को प्रॉब्लम है तो उसको हम फिर से बता दे रहे हैं
इसमें गिवन क्या है देखिए, ओरली अगर डिस्कस करते नहीं समझ आता तो पॉइंट ऑन बोर्ड में करके दिखा दूंगा, पहले आप ऐसे समझ लीजिए। इसमें क्या गिवन है, सुरभि रीड अ बुक फॉर हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग एंड फॉर थ्री फोर्स ऑफ एन आवर इन द इवनिंग। हाउ लॉन्ग डिड शी रीड द बुक, देखिए इसमें कैसे किया गया था। यस सर, 3/4 को कोई आपसे पूछता है 3/4 को अगर हम मिनट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखिए कैसे आएगा। 3/4 आवर है, इस आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 आवर है 60 मिनट। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60।
आपको मैंने ऐसे जनरली बता दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी अभी, ठीक है? 45 पॉइंट नंबर 7 में गिवन है, सीमा हैज अ पीस ऑफ ब्लू रिबन एंड अ पीस ऑफ ग्रीन रिबन. The blue ribbon is 5 by 8 meter long and the green ribbon is 7 by 8 meter long. Which ribbon is longer by how much? कौन सा इसमें longer है बेटा? दोनों ही like sections हैं तो कौन सा longer है? 7 by 8 और 5 by 8? Sir, one is longer. 7 by 8. Yes, sir. डिनोमिनेटर सेम होते हैं यानी लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो ओनली न्यूमरेटर चेक किया जाता है. जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा फ्रैक्शन भी ग्रेटर ही होता है. ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होता है. यस साक्षी, बात कर लो थोड़ा सा और आगे पीछे. कोई और है साथ में बात करने के लिए? यस बेटा, इसमें पॉइंट नंबर 7 में गिवन क्या है? सीमा हैज अ पीस ऑफ ब्लू रिबन. सबसे पहले राइट करेंगे लेंथ ऑफ ब्लू रिबन. क्या राइट करेंगे? लेंथ ऑफ ब्लू रिबन. यहां ब्लू रिबन गिवन है इक्वल टू गिवन है क्या? 5 बाय 8 मीटर लॉन्ग. एंड लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इक्वल टू, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इक्वल टू 7 बाय 8. यस बेटा, length of green ribbon is equal to 7 by 8 meter. So which is ribbon is longer? Green ribbon is longer. And by? Yes, sir. सर आपकी वॉइस सही करा रही है. यस बेटा, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज इक्वल टू गिवन है 5 बाय 8 मीटर. 5 बाय 8 मीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इक्वल टू 7 बाय 8 मीटर. 7 बाय 8. अभी क्या फाइंड करना है? व्हिच रिबन इज लॉन्गर एंड बाय हाउ मच. यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं सर, ग्रीन रिबन इज लॉन्गर बिकॉज़ इसका डिनोमिनेटर ग्रीन रिबन इज लॉन्गर. Yes, sir. यानी जो longer length है उसमें से shorter length को minus करेंगे. यहाँ longer length क्या है? 7 by 8. ये दिया गया है. 7 by 8. ये green ribbon की length है, minus करेंगे 5 by 8. क्या आएगा आंसर?
7 by 8 minus 5 by 8 is equal to 1. 2. 2 by 8. 2 upon 8. 2 by 8. Yes, Rita. 2 upon 8 or 2 by 8, okay? Meter. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, beta. Log point number 8. Please look at this. Point number 8 means the statement hai. The sum of two fractions is 14 by 17. If one of the fraction is 4 by 17, find the other fraction. यहाँ पे देखिए दो फ्रैक्शंस का सम गिवन है 14 बाय 17 उसमें से एक गिवन है 4 बाय 17 तो अदर हमें फाइंड करना है अदर फ्रैक्शन इसके लिए क्या करेंगे जानते हैं आप लोग सर सब्ट्रैक्शन यस बेटा सब्ट्रैक्शन करना होगा यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 बाय 17 फ्रॉम 14 बाय 17 फॉर अदर फ्रैक्शंस ओके यानी अदर फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 14 बाय 17 से 4 by 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है यस सर यस सर आंसर आएगा 10 by 17 10 by 17 यस बेटा 10 upon 17 इज द आंसर फॉर दिस चलिए करके बता दें लेट्स से जैसे इससे पहले आप लोगों ने नंबर्स में देखा होगा द सम ऑफ द टू नंबर इज 20 इफ वन ऑफ द नंबर इज 10 फाइंड और ऐसे अगर आपसे पूछा जाता प्लीज लिसन टू मी एवरीवन केयरफुली अगर आपसे आस्क किया जाता द सम ऑफ द टू नंबर इज 22 वन ऑफ द नंबर इज 10 फाइंड द अदर नंबर तो क्या होता अदर नंबर द सम ऑफ द टू नंबर इज 22 इफ वन ऑफ द नंबर इज 10 फाइंड द अदर नंबर तो क्या होता आंसर क्या होता बेटा द सम ऑफ टू नंबर इज बोलिए यस बेटा द सम ऑफ टू नंबर इज 22 इफ वन ऑफ देम इज 10 इफ वन ऑफ देम इज 10 फाइंड द अदर नंबर 12 यस बेटा 12 22 माइनस 10 क्या करेंगे 22 माइनस 10 कर देंगे तो 12 आ जाएगा ओके यस सर सेम एज यहाँ करना होगा आपको सेम एज फ्रैक्शन में भी करना होगा फ्रैक्शन में इन्होंने सम ऑफ टू फ्रैक्शन 14 बाय 17 गिवन है वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 बाय 17 फाइंड द अदर फ्रैक्शन तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है कर लेंगे आप लोग इसको यस 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 सर यहाँ पे ऐसे राइट करना है स्टेटमेंट भी इसके लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं भी बहुत ज्यादा आप लोगों को सोचना है मतलब जैसा गिवन है वैसा ही राइट कर देना ओके यस 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 सर इसमें गिवन क्या है द सम ऑफ द टू फ्रैक्शन इज द सम ऑफ द टू फ्रैक्शन इक्वल टू गिवन है वहां पे 17 बाई 14 बाई 17 14 बाई 17 सेम एज यहां से राइट करेंगे तो सम ऑफ द टू फ्रैक्शन इज इक्वल टू 14 बाई 17 अभी क्या वन ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू वन ऑफ द ढूंढते जाइए वन ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे फोर बाय सेवेंटीन सो अदर फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या रखेंगे सो अदर फ्रैक्शन इज इक्वल टू अदर फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या कहेंगे 14 माइनस 17 यस बेटा 14 माइनस 17 माइनस 4 बाय 17 अभी क्या आएगा आंसर 10 बाय 17 कितना होगा
10 by 17. Yes, Peter, 10 by 17 is the answer for this. Okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Same as you have to solve point number 9. Iski baat kar lete hain. Isme given beta kare, the sum of two like fractions is 13 by 25 while their difference is 1 by 25. Find the two fractions. इसको फाइंड करने के लिए मैं बता दूं कैसे करेंगे बेटा. इनका डिफरेंस और सम पता है हमें, तो दोनों का ऐड कर देंगे. क्या करेंगे? ऐड करेंगे. सर ऐड करेंगे या ऐसे ही बता सकते. देखो आप देख सकते हो, ऐड करने पे 13 आता है, 13 बाई 25 ऐड करने पे, और सब्ट्रैक्ट किया जाता है दोनों को, तो वन ओनली 1 बाई 25 आता है. इट मीन्स फ्रैक्शन क्या होगा? 7 बाई 25 एंड 6 बाई 25. फ्रैक्शन क्या क्या होंगे? 7 बाई 25 एंड 6 बाई 25. कैसे? 25 एंड 6 बाई 25. कैसे? 7 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7 एंड 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 बाई 25. यस बेटा, 7 बाई 25 प्लस 6 बाई 25 को ऐड करेंगे तो 13 बाई 25 आएगा. कितना आएगा? 13 बाई 25. 13 बाई 25. माइनस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस करेंगे तो 1 बाई 25 आ जाएगा. ओके, 1 बाय 25. वो ऐसे नंबर्स थिंक करने थे जिनका सम जो होगा वो 13 बाई 25 आना चाहिए और डिफरेंस होना चाहिए वो 1 बाई 25 आना चाहिए. तो इसके लिए आंसर होगा 7 बाई 25 एंड 6 बाई 25. क्या क्या होगा? 7 बाई 25 एंड 6 बाई 25. ओके. यस सर. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. दिखा देंगे दोनों का. ऐसे आप देखो, पहले लेट करना. फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज 7 बाई 25 एंड 6 बाई 25. फिर ऐड करके दिखा देंगे और सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा देंगे कि हाँ, ऐड करने पे 13 बाई 25 आता है और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 बाई 25 आता है. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. टू फ्रैक्शंस, टू फ्रैक्शंस आर Yes. Okay, बेटा, इसमें किसको डाउट तो नहीं है ना? No sir. No sir. No sir. No sir. अब ये आपका एक्सरसाइज 7.6 ये कंप्लीट होता है. देन आफ्टर आपका जो नेक्स्ट
यहाँ पे गिवन क्या है वर्कशीट, ये आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, वर्कशीट ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे वो कर लेना, नहीं होंगे तो मतलब हम नेक्स्ट डे आपको क्लियर कर देंगे, ओके? यस सर, यस सर, यस यस बेटा, प्लीज टर्न योर बुक, सॉरी टर्न योर पेज अभी वन, पेज को टर्न कीजिए, मैं बता दूं क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑफ वर्कशीट, बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ वर्कशीट, फ्रॉम पेज नंबर 23, इसमें इन्होंने बताया बेटा, आस्क किया है कलर मोर देन वन बाई टू अगर आता है, यानी रिजल्ट आपका जो सॉल्व करने पे आएगा वो मोर, प्लीज यस बेटा सर 22 में क्या कर रहा है, सर 22 पेज नंबर में, अभी मैं बताता हूँ उसको, प्लीज पहले 23 पेज नंबर देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ उसको भी, बेटा इसमें करना क्या है, अगर इसमें मोर देन वन बाई टू रिजल्ट यानी सॉल्व करने पे जिसमें वन बाई टू से मोर आएगा उसे ग्रीन कलर से करना है, नहीं तो बाकी लीव्स को क्या करना है ऑरेंज कलर से, जिसमें मोर आएगा यानी ग्रेटर वैल्यू आएगी वन बाई टू से उसको ग्रीन कलर से करेंगे, ओके, और जिसमें लेस आएगी उसको ऑरेंज से करेंगे, ओके? यस सर, यस। पॉइंट नंबर वन देखिए फ्रॉम पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 पे जो पॉइंट नंबर वन गिवन है इसमें से आपको केवल सेपरेटली फ्रैक्शंस को राइट करना है, जो यूनिट होंगे यानी जिसका न्यूमरेटर वन होगा वो यूनिट होते हैं, यूनिट वाले फ्रैक्शंस यहाँ पे राइट करेंगे उस कॉलम में, प्रॉपर जिसमें डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है न्यूमरेटर से, यानी न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर ग्रेटर हो वो आपका प्रॉपर होता है, लेट्स से 9/20 क्या है प्रॉपर है, 9/20 इसमें दिया गया ना ये प्रॉपर है, यस सर, इम्प्रॉपर क्या होता है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर हो डिनोमिनेटर लेस हो, लेट्स से 13/8 यहाँ की बना ये इम्प्रॉपर है, मिक्स क्या होते हैं जिसमें होल वैल्यू और मिक्स फ्रैक्शन दोनों इंक्लूड किया गया हो, जैसे 2 होल 3/10 है, 4 होल 5/7 ये मिक्स होता है ना, तो इसको अलग अलग आपको राइट करना है, yes. कर लेना, चलिए ठीक है, जो भी होगा डाउट होगा क्लियर कर दिया जाएगा, ओके, आज के लिए इतना ही रहना, yes, एस्टिमेट करेंगे, गुड बाय एवरीवन, से गुड बाय, गुड बाय, सर गुड बाय, बाय बेटा। Bye-bye.